मंगलवार के स्टॉक देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोमवार को हमने स्टॉक दिए थे उनका क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सोमवार के रोज़ तीन स्टॉक दिए हुए थे। पहला था सिप्ला, दूसरा था सन टीवी और तीसरा था MFSL, मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। तो और दोस्त, ये भी पता चलेगा कि जो नैरो रेंज के ब्रेकआउट रहते हैं वो कितने सही रहते हैं, क्योंकि मार्केट की विपरीत दिशा के बावजूद भी अगर मान लो कि उसमें ब्रेकआउट हुआ है तो उसमें हम आँख बंद के ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि नैरो रेंज के बावजूद अगर मान लो नैरो रेंज में कोई ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और आपको पता है मैं वही स्टॉक देता हूँ जो नैरो रेंज में ट्रेड है, और वो स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत परफेक्ट रहता है। मतलब स्टॉप लॉस की छोड़े नुकसान ना के बराबर, मतलब स्टॉप लॉस हिट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो देखो, MFSL का बता देता हूँ कि इसने लगभग 11 बजे समथिंग 8.5% से ज़्यादा का लो लगाया हुआ था इसने, और मैंने तो 10 पॉइंट ही कैप्चर करे और बाहर निकल गया था, क्योंकि अपना मकसद सिर्फ 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली अर्न करना है। अभी यही सीखेंगे आप, सिर्फ यही समझाया जाए और ख़ुद भी, क्योंकि इसमें 20 से 25 रुपये की टोटल 20 से 25 रुपये का मूवमेंट हुआ है, तो उसमें से आपने ज़्यादा नहीं 10 रुपये तो कैप्चर कर ही होंगे। दूसरा दूसरा सिप्ला देख लीजिए, सिप्ला मार्केट के विपरीत गया और डे हाई पे बंद हुआ है, तो ये फ़र्क रहता है दोस्तों नैरो रेंज के ट्रेड का। अगर आप किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस इनके चक्कर में बैठे रहोगे ना, तो कभी सही ट्रेड भी नहीं ले पाओगे। और इंट्रा डे में तो आपको ज़्यादा मुनाफा कमाना और सही स्टॉक चाहिए तो वो नैरो रेंज ही है, ये आप बात समझ लो। तो ये दूसरा स्टॉक था अपना सिप्ला का, जिसने अच्छी खासी मूवमेंट दी। और तीसरा सन टीवी, जो कि ये रहा, लगभग 7% की इसने मूवमेंट दी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सन टीवी आ गया, ये MFSL जिसने एक बहुत ही गजब, बहुत प्यारा मतलब कि ब्रेकडाउन दिया हुआ है, और तीसरा सिप्ला जिसने ब्रेकआउट दिया हुआ है मार्केट की दिशा के विपरीत। ऐसे ट्रेड मिलेंगे दोस्तों आपको व्यवस्थित, आप चैनल के साथ जुड़िए। बहुत अच्छे मतलब बहुत ही गजब के आपको हमेशा स्टॉक डेली में ऐसे ही दूंगा। जो मान लीजिए किसी में ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो आप उसको वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि नैरो रेंज का नियम ही है, आज नहीं तो कल उसमें ब्रेकआउट तो होना ही है। आपको बता दिया कि यार, आपको सिंपल सी ट्रिक बता दी कि यार इनका दोनों का एवरेज, टोटल क्वांटिटी का एवरेज, जितने रोज नैरो रेंज चले उनका एवरेज निकाल लीजिए, उसके बावजूद ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं कि यार मान लो ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर घुस गए, तरीके से उसके नियम के अनुसार ट्रेड लीजिए। चाहे जैसे आप लोगे डेली नुकसान में उठोगे, और हमारा मकसद है कि यार धीरे धीरे सीखने के साथ पहले कमाएं फिर सीखे, अपना मतलब मेन पॉइंट ही वही है। सभी सीखते हैं उसके बाद कमाते, और वो संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी तो आप खुद ही क्या इसमें इंटरेस्ट लोगे, और कॉन्फिडेंस भी आपको, आप सीखने में रुचि आएगी आपको। जब तक बिना आपके पास कुछ आए, कुछ भी कर लो, आप संभव ही नहीं कि आप स्टॉक मार्केट से कमा लो। तो अभी सिंपल सी चीज़ है, आप डेली नैरो रेंज के स्टॉक में डेली बताऊंगा, आप उनमें ट्रेड लो। मान लो किसी में ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो आप वॉच लिस्ट में रखना, कैसे क्या। अब मंगलवार के रोज़ के लिए दो स्टॉक है, देखिए पहला है ITC, ये तीन रोज से नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब ये आज नहीं तो कल ब्रेकआउट तो देगा, ये तो पक्का है। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किधर भी दे, ये आपको टारगेट बता दीजिए, 166 के ऊपर जाए तो बाय करना है, 161 के नीचे जाए तो सेल करना है, प्लस आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो। इन तीनों की ट्रेडेड क्वांटिटी है ना, इन तीनों की ट्रेडेड क्वांटिटी तीन रोज की, और इसका जो एवरेज है उसको काउंट कर लिया आपने। जैसे कि ये मैंने काउंट करके रखा, ये ITC का ये एवरेज निकाल लिया हमने, है ना। अब इसका एवरेज देख लीजिए आप कि इनका एवरेज क्या है। तो ये यहाँ पे एवरेज दिख गया कि 1,14,41,975। तो 1 करोड़ के ऊपर जैसे ही शेयर लाइव मार्केट में ट्रेड होने लगे, उस समय आप एंट्री लीजिए उसमें। सिंपल सी चीज़ है, कभी आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ होगा वो परफेक्ट रहेगा, न के बराबर नुकसान रहेगा। ये मतलब संभव ही नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्या कभी कभार हो सकता है पर इतनी आसानी से नहीं होता है। दूसरा है ब्रिटानिया का, ये भी बहुत जल्द ब्रेकआउट देने वाला है, ये तीन रोज से नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 81.80 के ऊपर जाए तो आप इसको बाई करना, 30.70 के नीचे जाए तो उसको सेल कर देना, प्लस साथ में ये ज़रूर देखना कि इसकी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ये यहाँ पे है। एक आप NSE की साइड में जाओगे और
भाव कॉपी में देखोगे ट्रेडेड क्वांटिटी मिल जाती है। तीनों का एवरेज निकाल लिया हमने, ये जैसे कि तीनों का एवरेज निकाल लिया, एक्सेल में गए यहाँ पे तो क्लियर पता चल जाएगा 6 लाख से ज़्यादा जैसे ही ट्रेड होने लगे, कहाँ पे ट्रेड होने लगे ये बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ना किसी भी इस पे, तो मार्केट डेप्थ में देखेंगे तो वॉल्यूम का ऑप्शन रहता है, ये वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया। क्लियर, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इंट्राडे वगैरह में, अगर आप हद से ज़्यादा माइंड लगाओगे ना तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप घर ही बैठ जाओगे, मतलब कि हमेशा के लिए अकाउंट ही साफ हो जाएगा। इसलिए क्या है ये, तो लाइव मार्केट में आप ट्रेड मतलब परफेक्ट लाइव मार्केट देख के लो, चाहे जैसे मत लो। क्या यहाँ पे देखना आपको, सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है। नेरो रेंज के स्टॉक देखना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी दे रहे हो वो एक रेंज जो रहती है उसकी, जैसे कि ये ब्रिटानिया हो गया अपना, जैसे ब्रिटानिया है तो ये किसकी रेंज है ये। अब इससे बाहर जाए क्वांटिटी देख लीजिए, उधर कोई अनोखा काम तो है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं, वो ट्रेड लीजिए। तो मंगलवार के लिए दो है, दो स्टॉक है, आप ITC और इनमें नज़र बनाए रखना। अगर ब्रेकआउट हो तो बता दिया मैंने कैसे क्या लेना है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इंट्राडे में कभी भी दिमाग ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं लगाया जाता, प्रॉफिट हो जाए बाहर निकल जाइए। आज मुझे उम्मीद है कि आज कम से कम आपने 20 से 22 हज़ार रुपये कम से कम तो लिए ही होंगे, इतने तीन स्टॉक है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी तीनों में कल ही आज ही मतलब कि ब्रेकआउट हो जाएगा, ये ज़रूर था कि आज नहीं कल ब्रेकआउट तो होना है, क्योंकि नेरो रेंज में ब्रेकआउट होगा ही होगा, ये तो कटु सत्य है। और अगर आप क्वांटिटी ट्रेडेड क्वांटिटी को का एवरेज निकाल के ट्रेड करोगे, 3 रोज़ का एवरेज, जितने रोज़ मान लो वो उस रेंज में ट्रेड कर रहा है उतने रोज़ की क्वांटिटी का एवरेज निकाल लीजिए और लाइव मार्केट में देखिए, जैसे वॉल्यूम उससे ऊपर होने को आए आप एंट्री ले लीजिए, आप आँख बंद करके एंट्री MIS क्वांटिटी में एंट्री लीजिए, आपका 1001% वो सही ट्रेड है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है, बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाए तभी मार्केट गिरे, और वो वैसा कभी कभार होता है, तो तब स्टॉप लॉस लगा के रखिए, जहाँ से एंट्री ले वही स्टॉप लॉस लगा के रखो उसमें, क्योंकि इसलिए मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं दिए। मेरे स्टॉक में मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ उसमें कभी भी आपको स्टॉप लॉस दूंगा ही नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस सीट ही नहीं होंगे तो कहाँ से देंगे। कभी कभार हो जाएगा ठीक है, इतने फ़ायदे में थोड़ा बहुत नुकसान भी चलता है, पर आप तरीके से और डेटा पॉइंट के साथ एंट्री लीजिए, ऐसा नहीं कि चाहे जिसने चाहे जो बताया और आप एंट्री लोगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना कमाना आज है भूख आज लगी है, तो इसलिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।